प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से दो दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। अपने घर में हुए कार्यक्रम में, रक्षा सूक्त कार्यक्रम में उन्होंने हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि आपका रिश्ता, आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना हुआ है, जिसे कोई भी तोड़ने की कोशिश करेगा टूटेगा नहीं। हालांकि आपको बता दें कि वसुंधरा राजे की भूमिका अभी तक विधानसभा चुनाव में स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी उनसे मुलाकात करी। लगातार जो है वो चाह रही हैं वसुंधरा राजे कि उन्हें विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा पद मिले। इसी को लेकर मतभेद और मनभेद साफ तौर पर बीजेपी पार्टी में देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी में बीजेपी वर्सेज वसुंधरा राजे की लड़ाई साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वसुंधरा राजे ने कहा कि मैं जो है जनता के बीच में बनी रहूंगी, राजस्थान को छोड़कर जाने वाली नहीं। एक संदेश जो है आलाकमान को जो है वसुंधरा राजे देने का संकेत कर रही है कि वो पुरजोर तरीके से विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर चुकी है। हालांकि परिवर्तन यात्रा के शुरुआती दौर में यूके के जब सवाई माधोपुर में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई थी, जब जेपी नड्डा आए थे तो वहां पर वसुंधरा राजे सक्रिय दिखी। 4 सितंबर को नितिन गडकरी के भी परिवर्तन यात्रा में सक्रिय दिखी, लेकिन उसके बाद 18 से 19 दिन जो है परिवर्तन यात्रा से उनकी ओर से दूरी बना ली गई। उनके गुट के नेताओं का कहना था कि अभी तक विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे की भूमिका स्पष्ट नहीं हुई है, जिससे वसुंधरा राजे नाखुश नजर आ रही है। एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व लगातार परिवर्तन यात्रा में डटा रहा, लगातार कांग्रेस पर निशाना साधने की कोशिश की गई, लेकिन सबसे हटकर वसुंधरा राजे दिल्ली में रही। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इससे दो दिन पहले जो कह सकते हैं वसुंधरा राजे पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। उनके आवास पर जिस तरह कार्यक्रम रखा गया, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आई, उनको संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे ने कहा, मैं पूरी तरह से तैयार हूं, मैं राजस्थान को छोड़ने वाली नहीं हूं, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। ये कोशिश करने वाला आखिर कौन है? क्या केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना चाहता है? इसलिए क्या बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, जिसके चलते वसुंधरा राजे इस तरह के बयान देने में लगी है? लगातार जो है इशारों में केंद्र सरकार है उसको घेरने की कोशिश वसुंधरा राजे की ओर से की गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे हटाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ये विश्वास और आशीर्वाद टूटने वाला नहीं है। आखिर ये जो विश्वास की बात जो वसुंधरा राजे की ओर से कही, साइडलाइन करने की बात वसुंधरा राजे की ओर से कही गई, आखिर साइडलाइन वसुंधरा राजे को कौन कर रहा है? क्या केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता कि वसुंधरा राजे की भूमिका विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हो? इसको लेकर भी लगातार उनके गुट के जो नेता हैं, वो कार्यकर्ता हैं, लगातार चर्चा करने में लगे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव तो पास में आ गए हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की भूमिका को अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। 2 लिस्ट निकल गई चुनाव समिति की, उनमें वसुंधरा राजे सहित उनके गुट के जो नेता थे उनको शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद पार्टी कार्यालय में चर्चा भी हुई। अब समय पास कम रह गया है विधानसभा चुनाव में, ऐसे में अभी तक वसुंधरा राजे की भूमिका स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। इशारों में केंद्र सरकार पर जो है उनकी ओर से टिप्पणी भी की गई। उन्होंने कहा कई बार कोशिश भी की गई मुझे साइडलाइन करने की, लेकिन आप लोगों का प्यार मेरे साथ है, जिसके चलते मुझे साइडलाइन नहीं कर पाए। आखिर वसुंधरा राजे कहना क्या चाहती है? क्या अपनी भूमिका को स्पष्ट करना चाहती है? क्योंकि उनकी भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। क्या आलाकमान उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देगा या उनको विधानसभा चुनाव में साइडलाइन किया जाएगा? ये भी देखने वाली बात होगी। वसंत पांडे, TV9, जयपुर।